नोएडा में स्थित मारवाह स्टूडियो में 8वां डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड कामकाजी महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ समारोह की शुरुआत की हुई। समारोह में श्रेष्ठ अतिथि डॉक्टर कैपाया रोड्रिगेज गोंजालेज, एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला, एडवोकेट लिबोहिंग वेलेंटाइन मोचाबा, हाई कमिश्नर ऑफ लेसोथो ने शिरकत करी। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर संदीप मारवाह, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के द्वारा करी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर नायडू का अनुकरणीय नेतृत्व और साहित्यिक कौशल दुनिया भर की महिलाओं के बाधाओं को तोड़ने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में स्थायी अभाव पैदा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। कामकाजी महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। समारोह में अतिथियों द्वारा 17th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2024 का पोस्टर रिलीज किया गया। महिलाओं को डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि करीब 100 महिलाओं को डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में ओपन सेशन भी रखा गया, जिसमें अवार्ड से सम्मानित महिलाओं ने कविताओं के माध्यम से अपनी बातें रखी और डॉक्टर संदीप मारवाह का अवार्ड के लिए शुक्रिया किया। आइए देखते हैं टोटल खबरें की विशेष रिपोर्ट। सो आई एम छवि मेहता, आई एम अ पेरेंटिंग कोच एंड आई रन एन इंस्टीट्यूट बाय द नेम यंग ऑथर्स लॉन्चपैड, वेयर वी एनकरेज स्मॉल लिटिल किड्स टू राइट देयर ओन स्टोरी बुक्स। वेल, दिस डे इज रियली स्पेशल एंड आई एम रियली फीलिंग ओवरवेल्म्ड गेटिंग दिस अवार्ड, सरोजिनी नायडू अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 24. This award is actually very close to my heart, not just because of the legacy of Sarojini Naidu, but also because it highlights the power of working women. So sometimes, you know, for our small achievements, we really need a push, people to like what we do. And to all the working women, this award has actually given me, you know, a double strength to work towards our goal and do something really great in life. So thank you so much for this. मैं सब इंस्पेक्टर किरण सेठी दिल्ली पुलिस में हूँ और इस समय मैं दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी शरदानंद मार्ग, जिसे लोग जीवी रोड के नाम से जानते हैं, मैं वहाँ की चौकी इंचार्ज हूँ। अपने कामों के लिए आज मुझे माननीय संदीप मारवाह जी के हाथों से डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला। यह अवार्ड मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे और कामों के लिए। अब तक मैं 10 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को और ख़ासतौर पे दिव्यांगों को, जिसमें नेत्रहीन, मुख बधिर और मल्टीपल डिसेबल बच्चे आते हैं, उनको मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। मेरे कामों के लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका हुआ है, असाधारण कार्य पुरस्कार मिल चुका है और हाल में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नारी की शक्ति सम्मान के लिए है, सम्मान उन्हें मिले। और इस बार 26 जनवरी पर उन्होंने पहली बार महिलाओं को सम्मान देने के लिए राजपथ पे उतारा और मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दिल्ली पुलिस के बैंड के साथ 32 किलो का इंस्ट्रूमेंट उठाकर 13 किलोमीटर यानी विजय चौक से लेकर राजघाट लाल किला तक मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को उठाया और मैंने बताया कि महिलाएं ना तो मानसिक रूप से कमज़ोर है ना तो शारीरिक रूप से कमज़ोर। और मैंने करीब 92 में दिल्ली पुलिस की उन जवानों को जो पुरुष थे उनको कमांडो कोर्स करा के बता दिया कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। ऐसे कई कार्य हैं जो हम करते हैं। मैं अपनी पुलिस चौकी के ऊपर 39 बच्चों को पढ़ाती हूं और मैं जहां पर पोस्टेड हूं वहां रेड लाइट एरिया है और वहां की कई सेक्स वर्कर्स को निकाल कर मैंने उनको सामाजिक दुनिया के साथ जोड़ा है। और ख़ास बात यह है कि जो महिलाएं वहां से निकलकर कहीं अपने घर में या कहीं और कुछ काम करना चाहती थी, मैंने उनको नौकरी पे लगाया और उनके बच्चों को स्कूलों में भेजा। ऐसे कई कार्य हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में करती हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं संदीप मारवाह जी का, जिन्होंने ये सम्मान के लिए मुझे चुना। आई एम डॉक्टर मोनिका कपूर, प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक स्कूल दिल्ली। I'm so glad that I've been felicitated, I've been honored with the Sarojini Naidu International Award. This is a beautiful platform for all the ladies, for the ladies who are empowered, who have the ability to show something out in the world that they are no less. Thank you so much, Sanjeev sir. So, we're really very honored by Dr. Sanjeev Marwa. Hi, my name is Babita Khanna and I'm the founder and CEO of We Celebration. First of all, I would like to thank Marwa students and Sandeep Marwa sir for giving me an award as a Dr. Sarojini Naidu Nightingale of India Award as the 8th edition.
This award is given for working women who have contributed to society. I'm the founder and CEO of Bee Celebration, and we manufacture divine candles, beeswax candles with Ayurvedic herbs, essential oils, which are very good to inhale and actually cures a lot of diseases in the body. It actually connects spirituality, Ayurvedic, medical field, and it purifies the aura. All these candles are made by underprivileged women who do not have education, so that they can work in a they can work as a white collar employee. But yes, they do have beautiful hands by which they manufacture the candles and soaps. Thank you, sir. Thank you for this. Namaskar. Mera naam Dr. Sonali Chakravarti hai. मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ और आज जो ये अवार्ड मुझे मिला है सरोजनी अवार्ड, मैं ये पूरे हाउसवाइव्स, होम मेकर्स, मॉम्स को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मैं उनको ग्रूम करने का काम करती हूँ, उनको ट्रांसफॉर्म करने का काम करती हूँ और उनको फिर से तैयार करती हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए शादी के 20, 25, 30, 35 सालों बाद भी। और मैं स्लम के बच्चों के लिए कच्ची धूप नामक संस्था चलाती हूँ, जिनसे उन बच्चों को मैं नशे से दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to each and every woman who has been a recipient of 8th Dr. Sarojini Naidu International Award for Working Women. We're very happy, we're very excited that 100 women have been honored today from the different parts of the country and from the different parts of the world. And I'm happy that the award has grown so big that it has added not only prestige to Marwa Studios, but to each and every woman who has been today present here to accept their own awards. Well, it's a great pride that people like ambassadors and high commissioners and ministers and former ministers, they all are being the part and parcel of this award function. And I'm happy that this award has this time has seen a better, bigger and a smarter audience. We hope that next year this award is going to be a much bigger way and in a much beautiful presentation. Thank you very much. जो अगला अवार्ड है वो अगले साल होगा, तो उसको यहीं तक हम सीमित रखेंगे। बताया जाता है कि 7 साल पहले स्थापित कामकाजी महिलाओं के लिए डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्कृष्ट प्रयासों को पहचानने और उनके प्रभाव क्षेत्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने में सहायक रहा है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।